हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो व्लॉग है ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बैक टू बैक वैसे तो आपको मेरे वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं, बट व्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। आज सैटरडे भी है और आज डेट है, मैं आपको डेट इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि ये व्लॉग इस दिन शूट किया हुआ है, और आज डेट है 25। तो 25 को मैं व्लॉग शूट स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और मॉर्निंग में क्या था, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास में, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो इस वजह से अभी शाम का जो टाइम है उस पर मैंने सोचा शूट कर लेते हैं, स्टार्ट तो करते हैं व्लॉग को, आगे देखेंगे कितने दिन का मैं आपको एक व्लॉग देती हूँ। तो अभी मैं दक्ष गया है उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, तो अभी मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि कहीं चलते हैं बाहर जाकर के कुछ चटपटा तीखा खा कर के आते हैं। बहुत दिन भी हो गए मुझे, इस बार तो मुझे काफी दिन हो गए हैं मोमोज या गोलगप्पे। गोलगप्पे तो मैंने खाए ही नहीं, बहुत दिन हो गए मुझे। आपको तो मेरे वीडियोस में देखने को मिल गए होंगे, बट मुझे एक्चुअल में खाए हुए बहुत टाइम हो गया। तो मैं सोच रही हूँ दक्ष मस्त अपना एंजॉय करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाकर के थोड़ा सा बाहर घूम लेती हूँ। वैसे भी वीकेंड चल रहा है ये, थोड़ा सा बाहर घूमना भी बनता है और आप सभी के लिए वीडियोज भी बना लूंगी मैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है और आप सभी से मैं बात कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से बात कर रही हूँ, अपनी जो बातें हैं वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू रखिएगा आप सभी। चीज मैं और कहना चाहूंगी कि मैं जल्द ही लाइव आऊंगी, पहली बार अपने चैनल पर मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा ज्यादा से ज्यादा कि मुझे लाइव आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो मैं लाइव आऊंगी, आप सभी से लाइव बातें करूंगी आपसे, आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, जो जेन्युइन होंगे, जो मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। और लाइव मैं आऊंगी तो मैं आपको एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन डाल दूंगी, छोटा सा एक वीडियो शूट करके डाल दूंगी कि मैं कल लाइव आऊंगी इतनी बजे, तो आप वहाँ रेडी रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा, तो मुझे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं और कुछ खा के आते हैं चटपटा तीखा। फ्रेंड्स, मैंने मेरा कुर्ता चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, वो मसलिन फैब्रिक का है तो मैंने चेंज कर लिया है, और अभी चलते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई, मैं लॉक लगा करके पहले बाहर निकल जाती हूँ। और ये वाला जो सूट है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरा कोटेड ओरिया फैब्रिक का है और काफ़ी साल से मैं इसको पहन रही हूँ, बट एज इट इज ही रहता है ये। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक, अच्छा लग रहा है ना, चलिए चलते हैं। गाइस, मैं आ चुकी हूँ और ये भैया बना रहे हैं मोमोज, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से मोमोज का पूरा ये बर्तन है, मैं गाड़ी में बैठ के बना रही हूँ लेकिन पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर मोमोज गर्म हो रहे हैं और मैंने ग्रिल वेजिटेबल सैंडविच भी मंगवाया है विदाउट सॉस के, तो वो भी खाने वाली हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिख रही हूँ अंधेरे में, तो कोई बात नहीं, अंधेरा कायम रहे, मैं सोच रही हूँ ये ऐसा डायलॉग पहले शक्तिमान आता था ना, तो थैंक यू, तो शक्तिमान आता था ना, तो उसमें वो जो किलविच वाला जो किरदार जिन्होंने किया था, तो वो बोलते थे ना अंधेरा कायम रहे, तो वो वाला डायलॉग मुझे भी एकदम से क्लिक किया माइंड में। तो मैंने बहुत देखा सच में बचपन में शक्तिमान के लिए, तो मैं रोने लग जाती थी कि मुझे शक्तिमान देखना है। सैटरडे को आता था शायद, वो 11:30 बजे आता था, तो देखो मुझे टाइम भी याद है एग्जैक्ट। तो मैंने बहुत देखा शक्तिमान, और कार्टून्स भी बहुत देखती थी मैं, और अब तो सब चीज़ें भूल चुकी हूँ। और अभी सभी लोग है ना वहाँ पर मोमोज के जो वो लगा हुआ है वहाँ पर अच्छे से बर्गर खा रही है लड़कियाँ, तो मैं अभी
फ्रेंड्स, मेरा मोमोज और सैंडविच की पार्टी तो फिनिश हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि गन्ने का जूस भी पी लिया जाए, क्योंकि पास ही में मिल रहा है तो फ्रेश पी लेते हैं गन्ने का जूस। सो हे गाइस, मैं आ गई हूँ गन्ने का जूस पीने के लिए। सो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा नजर आ सकता है, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, बाहर नहीं निकल रही हूँ। और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी दक्ष को लेने के लिए, और अब जा करके थोड़ा सा मोबाइल की फ्लैश जलवाई है मैंने, और सूट अच्छा लग रहा है ना मेरा। ये सूट बाय द वे बहुत ज़्यादा पुराना है, जब मैंने YouTube की स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकंड वीडियो ही होगा मेरा, फर्स्ट या सेकंड वीडियो था मेरा ये, जो कि मैंने YouTube पर डाला था कोटा डोरिया के ड्रेस मटेरियल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखना ज़रूर। और मेरा जो गन्ने का जूस है वो आ चुका है फाइनली। सो ये आप देख सकते हैं मेरा गन्ने का जूस, और बहुत ज़्यादा फ्रेश। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और एक हाथ से तो फोन पकड़ना और एक हाथ से व्लॉग मतलब व्लॉगिंग करना और कुछ खाना पीना थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान सारा खाने और पीने में ही चला जाता है। तो मेरी एक फिंगर भी आपको दिख सकती है कैमरे के ऊपर आ रही है हल्की सी, तो एडजस्ट कर लेना आप। और मुझे ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है ना, तो इस तरीके के जो सूदिंग से कलर होते हैं ना, वही बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। तो अभी मैं भी अपनी कॉटन का पूरा कलेक्शन निकाल दूंगी। अब गाइस, खा पी के तो हो गया है मेरा पेट फुल, और अब चलते हैं दक्ष को लेने, उसके फ्रेंड के घर से लेंगे उसको, जिसका आज बर्थडे था। तो अभी उसको लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ दक्ष से भी। बड़ा ही एक्साइटेड था वो आज, मम्मा धैर्य का बर्थडे, उसके फ्रेंड का नाम धैर्य है, तो मम्मा धैर्य का बर्थडे है, मुझे 5 बजे बुलाया था, आपने लेट करा दिया मुझे, बच्चों को कितना एक्साइटमेंट होता है। तो वो मैं अभी आपसे थोड़ी देर के बाद में बात मॉर्निंग, और कल का व्लॉग अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी नहाई नहीं हूँ बिल्कुल भी, दक्ष को नहलाना है, और आज संडे है ना, तो मैं भी थोड़ा आराम आराम के मूड में हूँ, बट कहीं जाना है मुझे, गर्म पानी मेरा भर चुका है। और क्या अच्छा अभी पढ़ लेना। सो अभी काम वगैरह हो रहा है, साफ़ सफाई का चल रहा है, संडे है तो संडे के हिसाब से चल रहा है खाना वगैरह। मैंने आज थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश की, स्पेशल से तो क्या है, मतलब बहुत दिनों के बाद में छोला और राजमा बनाया है मिक्स करके, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बना चुकी हूँ। यम्मी से छोला राजमा, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके रेडी हुई है। अभी जस्ट मैंने इसको माइक्रोवेव में ही रखा है, और इसके साथ में सादा सिंपल चपाती ली। आप बताइए फ्रेंड्स कि आज आप संडे के दिन क्या करने वाले हैं? मैं तो देखूँगी, कुछ कहीं जाऊँगी तो, अगर वैसे तो धूप इतनी तेज़ होने लग गई, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट आज संडे है तो हो सकता है दक्ष को लेके कहीं जाने का इरादा तो बन रहा है मेरा, मतलब मन तो कर रहा है, बट अभी देखते हैं। और बाल मेरे अच्छे लग रहे हैं आज, मुझे बहुत अच्छे लग रहे बाल। और आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नहा धो करके हो गई हूँ मैं फ्री, और आज मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस, पूरा लुक भी दिखाऊंगी आपको। और अभी तो फिलहाल मेरा टाइम हो गया है लंच का, लंच में आप तो फ्रेंड्स अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैं अभी गाजर हाथ में है मेरे, और पूरी पोशाक का लुक दिखा देती हूँ आपको एक बार पहले। तो वैसे नॉर्मली सूट है ये, साटन का लहंगा है, ऊपर कॉटन का जोड़ है चुंदड़ी में, अच्छा लग रहा होगा, पूरा लुक दिखा देती हूँ आपको। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, और गाजर खाते रहो। सो हे एवरीवन, मैं आपसे बहुत देर के बाद में व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने, और बहुत देर के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में, जहाँ पर मैं पहले गई थी ना मटर के लिए, आज वहाँ पर मैं जा रही हूँ। जो नए नए जो गेहूँ है ना, उसको सेक के खाते हैं ना, इतने मस्त लगते हैं वो, तो आज मैं वही खाने के लिए जा रही हूँ। तो सोचा कि आप सभी को भी बताया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस तरह से जो नए जो गेहूँ आते हैं उनको सेक करके भी खाया जाता है, और उनका जो स्वाद है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती।
क्योंकि मैंने पहले खाए हुए हैं, तो आज मैं सोच रही थी कि आप सभी को ब्लॉग के माध्यम से बताऊं कि ये जो गेहूं है नए वाले, इनको सेक करके भी खाया जाता है। तो मैं रेडी हूँ और मैं पिछली बार जहाँ गया था वहीं जा रहा हूँ। मटर तो चल गई, इस बार मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो मिलते हैं। मैंने आपको दिखाए थे बेर कच्चे कच्चे, वो अभी पक चुके हैं, तो पकने के बाद तो और ज्यादा मीठे लगते हैं। अभी तोड़ के खाते हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बेर है ना, वो पक चुके हैं और बहुत ही मस्त लगेंगे। मैं थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स बेर कितने मस्त वाले हैं, और इसको खाती हूँ मैं। खट्टे मीठे, और जो ताज़ा तोड़ के खाने की बात होती है वो तो निराली है, और काला वीडियो आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतने सारे बेर तोड़े हैं हमने, और क्या स्वाद है इनका। और ये देख सकते हैं आप, फ्रेश तोड़ के खाने की तो बात ही निराली है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप भी इसी खेत पे जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, अभी तो बहुत ही अच्छे गेहूं लगे हुए हैं आपके वहाँ है, तो आप जरूर जाइए। तो मैं खेत में आ चुका हूँ, और बहुत ज्यादा बहुत अजीब जमीन है, गिर भी सकते हैं, इसलिए कभी भी अगर आप खेत में आए तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका पेड़ कहीं मुड़ नहीं जाए और ना आप कहीं घास में गिर जाए। हाँ, आप शूज पहन के आ रहे हैं, ये हो सकता है आपके साथ भी ध्यान रखें। तो मैं भी अब नीचे देख के चलता हूँ, ऑफ कर दीजिए। सकते हैं चने का पेड़ है, इसमें कितने सारे चने लगे हुए हैं। चने का पेड़ नहीं, चने का पौधा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। ये चने का है, और इसके जो दाने हैं मैं आपको निकाल के खिला तो नहीं सकती हूँ, बट मैं खुद खा सकती हूँ। आप फील ले सकते हैं कि मैं खा रही हूँ, और आप फील कर सकते हैं। तो गर्मियों में आने ही वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, मस्त है, पके हुए हैं पूरी तरीके से। आपको खाना है? वेरी नाइस। कि मैं अभी है ना ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो के आया था, पर ज़्यादा से 1 मिनट में पानी सूख गया, इतनी गर्मी आने लग गई, वो भी फरवरी में। क्लाइमेट चेंज बहुत हो चुका है, पता नहीं क्या है इसमें। अभी है ना एक गर्मी हो चुकी है कि वहाँ की बर्फ पिघलने लग गई है, और इंडिया में भी हालत ख़राब हो चुकी है। फरवरी में आप देखिए कितनी धूप पड़ रही है, कैमरा मैन ज़रा दिखाया, फरवरी में इतनी धूप। अभी तक तो बोर में ही उलझे पड़े हैं हम लोग।
फ्रेंड्स मैं भी मम्मा के लिए ये चने तोड़ रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे होंगे वही तोड़ूंगी। सो फ्रेंड्स अब हम हमारा कार्यक्रम चालू करेंगे, तो मैं तो यहाँ जम करके बैठ गई हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं कपड़े गंदे हो या अच्छे हो, लेकिन जो नेचर के बीच में बैठ करके जो चीज़ों का हम एंजॉय करते हैं ना, वो अलग ही होता है। ये चीज़ आप शायद समझ पा रहे होंगे, मैं मेरी जो फीलिंग्स है वो आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी मैं बैठ करके आराम से बेर के छांव तले और ये खा रही हूँ चने जो कि मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। बस इतनी सी नहीं, अभी तो फिर लाएंगे ना। अच्छा गरम गरम खाएंगे। सो राजू कर रहा है बहुत मेहनत, और इसने बहुत दिनों से बोला था कि आप मैम आना यहाँ पे खाने आना गेहूँ, और अभी आग जल रही है धीरे धीरे, और ये गेहूँ तोड़ के लाए हैं दोनों ही। दक्ष भी गया है, राजू भी गया है और बस ऐसे नेचर के बीच में बैठ करके जो आनंद मुझे मिल रहा है ना, वो आप फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपके भी नज़दीक कोई खेत है या खलियान है तो आप भी प्लीज़ वहाँ जाइए, कुछ घंटे बिताइए और मोबाइल से सबसे दूर रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। चलिए गेहूं को सेक लेते हैं, मैंने कभी सेका नहीं है लेकिन मैं भी सेकने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप जल ना जाए। क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, इनको सेकते वक्त बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं, देखता हूं क्या होता है। इसको टाइट कर दो पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं एक गेहूं के दाने मैंने निकाले हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, और इसको अच्छे से मसल के और फूंक मार के और मुंह में डाल लीजिए, और क्या टेस्ट है इनका। गेहूं हमने खा लिए हैं अच्छे से, और अभी चलते हैं एक और खेत में। और आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकला है भाई, सुबह से पानी पी लेते हैं एक बार। गई हूँ खेत से बिल्कुल फ्री और अभी जा रही हूँ घर पे, तो सोचा कि ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लॉग 20 से 25 मिनट का हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारा मैंने शूट किया हुआ है, तो मैं इसी ब्लॉग में पूरा वो ऐड कर दूंगी और फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे फिर हम। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड चेतनास लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है चेतनास लाइफस्टाइल ऑफिशियल, तो आप मुझे वहाँ जाकर के ज़रूर फॉलो कर लीजिए।